ये भाभी पुलिस है, इसमें चाहिए थी इसका फोन आ रहा है। मशीन 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और फखरुद्दीन साहब सब खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। बोल रहे कहाँ है भाई? आजकल आपको फोन कर रहे, आप फोन ही नहीं उठा रहे। जी भाई, मैं आपका छोटा दिनी भाई अफू खान। अरे अफू भाई, क्या हाल है? खैरियत है? सब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज लाभ इतने दूर से आप फोन हमें याद कर रहे हैं, क्या बात है? क्या बोल रहे जी? मुझे ये जानना था कि अल्लाह ताला कैसा दिखता है। अल्लाह ताला कैसा दिखता है? मैंने तो नहीं देखा भाई, अल्लाह ताला कैसा दिखता है? माजल्ला, तौबा तौबा तौबा। पक्का आपको नहीं मालूम अल्लाह ताला कैसा दिखता है? आपने देखा हो तो बता दें। नहीं तो भाई, हम हंसी नहीं है ना जी? आप हंसी हो ना, तो आपको मालूम होना चाहिए अल्लाह ताला कैसा दिखता है। भाई अल्लाह का तो बता दें। नहीं तो असल में आपकी भाई जो हंसी सिखा है दुर्रे मुख्तार, उसके जिल नंबर 1 सफा नंबर 44 उतरा हुआ है कि इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह ने 100 मर्तबा ख्वाब में अल्लाह का दीदार किया। तो क्या आपके इमाम साहब ने आपको बताया नहीं अल्लाह ताला कैसे दिखता है? मैं बताया ना, तभी तो कह रहा हूँ दिखता है। मतलब माजल्ला, आपके इमाम साहब ने अल्लाह की जात को अपने मानने वाले हनफी मुकल्लिदों से छुपा लिया, उन्होंने बताया ही नहीं अल्लाह ताला कैसा दिखता है। भाई एक बार नहीं देखा, दो बार नहीं देखा, 10 बार नहीं देखा, 100 बार देखा ना, 100 बार दीदार हुआ अल्लाह का, तो उनको बताना चाहिए था ना कि अल्लाह ताला ऐसा है ऐसा है ऐसा है। जैसा अगर बताते तो आपको जरूर बता देते। तो वही तो बात है ना, धोखा दिया ना आपके इमाम ने अकेला के लिए अल्लाह को 100 बार देख लिया, आपको क्यों नहीं बताया? तो उस मर्तबे में जब पूछेंगे तो इंशाल्लाह दीदार हो जाएगा। अच्छा, मतलब अल्लाह के नबी ने कभी 100 बार ख्वाब में अल्लाह को नहीं देखा? नहीं, अबू बकर, उस्मान, उमर, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, इन लोगों ने 100 बार तो क्या एक बार भी अल्लाह को ख्वाब में भाई नहीं देखा? लेकिन इमाम अबू हनीफा रहिमुल्लाह ने 100 बार ख्वाब में अल्लाह को देख लिया, और देख भी लिया तो अपने मानने वालों से मतलब एक बार भी नहीं बताया कि अल्लाह की जात कैसी है। अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज उम्मत मेरे भाई लड़ रही है कि अल्लाह के मतलब भाई वो हाथ हैं, कदम हैं कि नहीं है, अल्लाह का जिस्म है या जिस्म से पाक है। अगर इमाम आजम अबू हनीफा रहिमुल्लाह ने 100 बार साहब ने दीदार किया था तो वो उम्मत को बता देते तो सारा मसले ही भाई वो हल हो जाता ना। नहीं देखो, इस ताल्लुक से नबवी, इमाम नबवी ने मुस्लिम शरीफ की शरह में लिखा है कि अल्लाह ताला जो है जिसको जिस्मानियात के साथ है, ठीक है, और जहाँ पर यदुल्लाह वजहुल्लाह शरह नबवी है ना, थोड़ा शरह। नहीं नहीं, असल में जो आप बात कह रहे हैं ना, ये बात बिल्कुल झूठ है, ठीक है, क्योंकि ये बात बिल्कुल झूठ नहीं है। नहीं, ये बात जो है ना, ये हंसी मतलब कि आप हमें बता रहे हैं या आप मेरे भाई कुरान की बात नहीं बता रहे? अबू भाई, मैं आपको, मैंने खुद नहीं पढ़ा है इसलिए कह रहा हूँ। मैंने भी पढ़ा है, मैं कह रहा हूँ अल्लाह ताला कुरान में खुद कह रहा है हमने आदम को अपने हाथों से बनाया, तो अल्लाह के हाथ हैं, लेकिन कैसे हैं हमको नहीं पता, कैफियत कैसी हमको नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला खुद कहता है वल्लम युकुन हुकुक बनाया, अल्लाह के जैसा कोई नहीं है, अगर तो अल्लाह के हाथ है लेकिन कैसे हाथ है नहीं मालूम, नहीं मालूम। तो उसी को जो है सही मुस्लिम की हदीस है कि अल्लाह ताला अपना कदम भाई को जहन्नम में ला देगा तो जहन्नम चुप हो जाएगी जी, जहन्नम आवाज देगी और लाओ तो अल्लाह ताला जहन्नम में अपना कदम डाल देगा तो जहन्नम खामोश हो जाएगी। तो अल्लाह का कदम है लेकिन कैसा कदम है भाई हमको नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला खुद कुरान में कह रहे हैं वल्लम युकुल लहू कुफ्वन अहद, अल्लाह के जैसा कोई नहीं। तो अल्लाह के जैसा कोई नहीं है तो वो तो बात ही हटा दीजिए,
बात यहाँ हो रही है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने 100 मर्तबा अल्लाह को ख्वाब में देखा, तो उन्होंने अपने मानने वालों को क्यों नहीं बताया? बताना चाहिए था ना कि अल्लाह कैसा है। हाँ, अल्लाह कैसा दिखता है भाई, बता देते तो कम से कम उनके मानने वालों को इत्मीनान हो जाता और उनका यकीन हो जाता कि अल्लाह की जात ऐसी है। या तो भाई देखिए, या तो आप दो बात मानिए, ठीक, एक बात मानिए कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नाम से जो ये बात भाई ये मंसूब की गई है भाई ये झूठ है, और या तो ये मानिए कि जो ये बात लिखी गई है ये कुरान के खिलाफ है, क्योंकि अल्लाह ताला खुद कुरान में सूरह अनाम में फरमाता है कि कोई आँख अल्लाह को इस दुनिया में नहीं देख सकती, अल्लाह का दीदार जन्नत में होगा, वो भी चौधरी की चांद की तरह। हाँ, तो मैं वही समझाना चाह रहा हूँ आपको कि जब की आँख अल्लाह ताला का इहाता नहीं कर सकती तो क्या दिखा उन्होंने, ठीक है ना? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, क्यों छापा फिर दुबे मुख्तार वालों ने कि मतलब इतना बड़ा गद, इतना बड़ा कॉमेडी जोक मार दिया इसको कि एक बार नहीं 100-100 बार खाब में देख रहे हैं आपको। इस चीज को मैं हदीस से साबित कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, हदीस से साबित तो भाई ये है कि अल्लाह के नबी भाई वो खाब में आ सकते हैं, अल्लाह तो ख्वाब में किसी के आ ही नहीं सकता, ऐसी तो कोई ज़ईफ हदीस भी नहीं है। सही तो छोड़िए, आप पेश कीजिए कौन सी हदीस में है कि फला साहबी ने एक मर्तबा भी अल्लाह को ख्वाब में देखा हो? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को अपने अपनी आंखों से देखा है ना, अल्लाह के नबी खुद फरमाते हैं कि अपने रब को अपनी सूरत में देखा। किसमें देखा? यहाँ पर हसीन सूरत में देखा है ना, अपने आँखों से। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं कि जो ये कहे कि अल्लाह के नबी ने अल्लाह को देखा वो झूठा है, तो अम्मी आयशा के कौन से हिसाब से आप झूठे हो गए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अम्मी आयशा देखिए, क्या अल्लाह के नबी ने अल्लाह को देखा ये दूसरा टॉपिक है, इसके ऊपर इंशाल्लाह अपन लोग किसी दिन और बात करेंगे, ठीक है? बात यहाँ पे जो काजी खान भाई हनफी है कि नहीं ये बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कुछ शक नहीं। काजी खान हनफी हैं और वो अपने फतावा काजी खान की चौथी जिल्द में लिखते हैं कि जो शख्स ये कहे कि उसने ख्वाब में अल्लाह को देखा तो उसमें और बुतों की पूजा करने वालों में कोई फर्क नहीं, यानी कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने 100 मर्तबा अल्लाह को ख्वाब में देखा, यानी कि 100 गुना वो भाई पत्थरों की और मूर्तियों की पूजा करने वालों से भी बदतर हो गए माजल्ला। ये मेरे हिसाब से नहीं, खुद एक हनफी के फतवे से दूसरा हनफी वो काफिर हो गया। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह भाई वो बुतों की पूजा करने वालों से भी बदतर हो गए। अब बताइए आप, ऐसा है ये आप बोल रहे हैं, इसकी हकीकत तो वही मतलब फखरुद्दीन भाई, देखिए हक को मेरे भाई अपना लिया कीजिए, ठीक है? ऐसी बात नहीं, नहीं, नहीं है, उसको पढ़ू नहीं। आप इस चीज को मानिए कि अल्लाह ताला को एक बार तो क्या, 100 बार तो क्या, एक सेकंड के लिए भी कोई ख्वाब में नहीं देख सकता। वो बात आपकी जो आप कह रहे हैं, मैं ऐसे कैसे मान लूं कि अगर नबी एक बार देखे, नबी एक बार देखे तो एक बार समझ में आता है, लेकिन किसी गहरे नबी वो 100-100 मर्तबा ख्वाब में अल्लाह को देख रहा है और लोगों से बयान भी नहीं कर रहा है, अल्लाह की जात को छुपा रहा है, तो ये तो मेरे भाई एक बहुत बड़ा धोखा हो गया ना। हमारे अल्लाह के नबी ने तो सारा दिन बताया, तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने अल्लाह को ही छुपा लिया, ऐसा क्यों? 100 बार देखा होता तो बताया होता ना, लेकिन उन्होंने देखा ही नहीं, उनके नाम से ये बात फालतू में मंसूब कर दी गई और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को बदनाम किया गया। इसलिए मेरा आपसे कहना है मेरे भाई, अगर आप वाकई हनफी हैं, तो अगर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की बात कोई भी कुरान हदीस से टकराए तो उसको दीवार पर मार दीजिए, और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने साफ साफ कहा है कि सही हदीस मेरा मजहब है, ठीक है? अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मन्नान टीटीएस साहब, और कुरान शरीफ पढ़ाने आया नहीं आया, पहले ये बताओ भाई, ये बताइए अल्लाह ताला कैसे दिखते हैं? पहले ये बताओ, मेहनत वगैरह का तुमने बोला था, मेहनत अल्लाह ताला कैसे दिखते हैं भाई, बता दीजिए जरा। शरीफ पढ़ाना आया या नहीं भाई? हम पता है, हमें मालूम है, इंजन ऑयल पी के आपने मेरे भाई फोन से बात करना शुरू किया है, अब आप रुकेंगे नहीं,
इंजन आपका चालू हो गया है ठीक है। कौन सी कंपनी का इंजन ऑयल पीते हैं आप? पहले तो नमाज सही करो उसके बाद। कौन सी कंपनी का इंजन ऑयल पीते हैं जो बकबक बोलने लगते हैं तो सामने वाले सुनते नहीं है? मतलब अक्कू खान का फोन आते हैं आप लोग की बकबक की शुरू हो जाती है? तो आपने बकरी में एक एक मिनट बात कीजिए ना, डर क्यों रहे आप? एक एक मिनट बात कीजिए, एक मिनट हम बोले, एक मिनट आप बोले, उसकी रोशनी में बात कीजिए। अच्छा मैं एक मिनट बात करूँ पहले? घबरा क्यों रहे हैं? मैं एक मिनट बात करूँ पहले? फोन मैंने किया है ना, तो पहले मेरा हक बनता है ना। आपको आदाब भी नहीं मालूम है? मैं नहीं, तुमका तुम्हारे, मैंने फोन किया है आपको। अरे अहले हदीस के आदाब, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला कैसा दिखता है आपको मालूम है? क्या अल्लाह ताला कैसा दिखता है आपको मालूम है? अल्लाह ताला कैसा दिखता है? अल्लाह ताला की हकीकत नहीं मालूम है किसी को, किसी को नहीं। तौबा तौबा तौबा, आपकी दुर्रे मुख्तार जिल नंबर एक सफा नंबर 44 को उतरा हुआ है। इमाम अबू हनीफा रहिमुल्लाह ने 100 मरतबा आप में अल्लाह का दीदार किया, तो आपके इमाम ने आपको बताया नहीं अल्लाह कैसा दिखता है? ये बताओ किसने? आपके इमाम ने जिन छुपा लिया, अल्लाह की जात को छुपा लिया? अस्तग़फ़िरुल्लाह, कितना बड़ा जुल्म कर दिया इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने हनफियों के ऊपर। हनफियों को अल्लाह के ताल्लुक से बताया नहीं अल्लाह ताला कैसा दिखता है? उन्होंने खुद ही 100 मरतबा देख लिया लेकिन किसी को बताया नहीं। बताओ ना जल्दी, अब्दुल मन्नान टीटीएस, अल्लाह ताला कैसा दिखता है? तुम्हारे इमाम ने बताया नहीं तुम्हें? तुम्हारे दूसरे मुख्तार जिल नंबर एक सफा नंबर 44 उतरा हुआ है, हालत ख्वाब में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने 100 मरतबा ख्वाब में अल्लाह का दीदार किया, और फतावा काजी खान की 34 जिल्द में उतरा हुआ है। जो शख्स ये कहे कि उसने ख्वाब में अल्लाह को देखा है तो उसमें और भूतों की पूजा करने वालों में कोई फर्क नहीं है, यानी कि जो काजी खान है वो भी हंसी है और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह भी हंसी है, यानी कि एक हंसी दूसरे हंसी को कह रहा है कि वो भूतों की पूजा करने वाला है। फतावा काजी खान के हिसाब से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने 100 मरतबा ख्वाब में अल्लाह को देखा, यानी कि वो 100 मरतबा 100 गुना बुतों की पूजा करने वालों से भी बदतर है। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। भाई अल्लाह ताला कैसा दिखता है ये जरा जाके अपने इमाम की तस्वीर में एक बार पता कर लीजिएगा। आपके इमाम ने तो 100 मरतबा अल्लाह ताला को ख्वाब में देखा है ना, आपको बताया नहीं? क्यों नहीं बताया आपको? क्यों नहीं उम्मत को बताया? जो इंसान अल्लाह को देख रहा है वो भी एक बार नहीं 100 बार अल्लाह को देख रहा है, क्या उसका फर्ज नहीं बनता है कि अपने हनफी मुकल्लिसों को बता के जाए कि अल्लाह ताला ऐसा है, अल्लाह की जात ऐसी है? 100 बार देखा है ना, तो गौर से देखा होगा ना अल्लाह को? झूठी बातें उतार देते हो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नाम से, झूठे किस्से कहानी मंसूब कर देते हो, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को बदनाम करते हो। सूरह अनाम में अल्लाह तबारकुल्लाह कुरान में फरमाता है कोई आग इस दुनिया में अल्लाह को नहीं देख सकती, तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की आंखों ने इस दुनिया में खाद में अल्लाह को कैसे देख लिया? जाहिल आदमी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। और इरफान चौधरी साहब तो खैरियत से? अल्लाह का करम है। क्या हो रहा है आजकल? अरे थोड़ा हालात आ रहे हैं, जैसे तुम्हारे ऊपर आए वैसे मेरे ऊपर भी आ गए। वो तो भाई मोमिन के ऊपर आजमाई आती रहती है। बराबर बराबर। भाई ये बताइए, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने क्या 100 बार अल्लाह सुभान व तआला को देखा ख्वाब में? ख्वाब में 100 बार के हजार बार देख ले तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं मैं पूछ रहा हूँ, मतलब देखा एक्चुअल बात सही है? मेरे को मालूम नहीं भाई। ये दुर्रे मुख्तार जिल नंबर एक सफा नंबर 44 को उतरा हुआ है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने हालत ख्वाब में अल्लाह का दीदार 100 मरतबा किया। हाँ इमाम अहमद रहमतुल्लाह के बारे में भी यही है उनके दवान ने भी, कि उन्होंने भी ख्वाब में। नहीं नहीं इमाम अबू हनीफा का पहले आप बताइए, ये मतलब कंफर्म है देखा? अरे भाई ख्वाब में तो आदमी अल्लाह अपना दीदार करा दे, अपने नबी का दीदार करा दे, वो तो नहीं, नबी का तो साबित है, अल्लाह का बात यहाँ अल्लाह वो भी एक बात ही 100 बार। ख्वाब शरे हुज्जत है क्या? ख्वाब शरे हुज्जत है क्या? वो मैटर अलग है ना, यहाँ ये मसला आ रहा है कि अल्लाह ताला को क्या कोई इस दुनिया में देख सकता है?
अरे क्यों नहीं देख सकता भाई, क्यों नहीं? माज अल्लाह कुरान में अल्लाह ताला सूरह अनाम में कहता है कि कोई आग अल्लाह को नहीं दे सकती इस दुनिया में। अरे भैया वो खाली जन्नतियों को दीदार होगा, वो भी एक चौधरी की चांद की तरह। अल्लाह ताला जन्नत में दीदार देंगे ना। हाँ तो ख्वाब क्या है इस दुनिया में, ख्वाब में ही क्या इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को तौबा अल्लाह ने किया। अरे अल्लाह के बंदे, ख्वाब कोई शरी हुज्जत नहीं होता उससे कोई। कहने मतलब ये इतना बड़ा गप, इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा जोक ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को किसने बांधा और क्यों बांधा? वो जो भी है वो तो, लेकिन ख्वाब शरी हुज्जत है ही नहीं। ख्वाब से कोई ख्वाब शरी हुज्जत नहीं है तो क्या कोई कह देगा कि अल्लाह को ख्वाब में देखा? अरे तो भैया इमाम अहमद बिन हम्बल भी मतलब कोई फेंकने की हद होती है कि नहीं, कि मतलब जो मन में आएगा किताब में छाप दिया जाएगा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को अफजल बनाने के लिए? अरे इमाम अबू हनीफा के शागिर्दों ने लिखा कि इमाम अबू हनीफा ने 100 बार अल्लाह को ख्वाब में देखा, ठीक है। और आगे देखिए बहुत कुछ उतरा हुआ है कि 55 हज किए, एक हज में खाने काबा की चाबी लेके खाने काबा में नमाज पढ़ी, एक टांग पे खड़े होके आधा कुरान पढ़ा, दूसरी टांग पे खड़ा होके आधा कुरान पढ़ा, आसमान से एक आवाज आई गैबी कि ए नोमान हमने तुमको बशारत दी है कि कयामत तक तुम्हारे मजहब पे चलने वाले लोग को हम बख्श देंगे, और अल्लाह का दीदार 100 मरतबा ख्वाब में हुआ। तो ये सारी बातें मेरे भाई झूठ, ये सब क्यों है? मेरे को नहीं मालूम भाई झूठ है क्या सच है। तो कैसे अनफी मुकल्लिद है मेरे भाई, जिस इमाम की आप तकलीफ करने का दावा करते हैं आपको उसका अता पता लापता है पूरा? मैं नहीं जानता तो मैं क्या बोलूँ आप। और फतावा गाजी खान में 34 जिल्द में उतरा हुआ है कि जो शख्स ये कहे कि मैंने ख्वाब में अल्लाह को देखा तो उसमें और बुतों की इबादत करने वालों में कोई फर्क नहीं है, यानी कि गाजी खान भी हनफी है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह भी आपके नजदीक हनफी हैं, तो एक हनफी दूसरे हनफी को काफिर बनाए दे रहा है। मैं क्या बोलूँ, मैं तो एक ही बात जानता हूँ कि ख्वाब शरई हुज्जत नहीं है। ख्वाब शरई हुज्जत नहीं है, लेकिन काजी खान साहब ने एक फतवा दिया है कि ख्वाब में अगर कोई अल्लाह का दीदार की बात करता है तो उसमें और बुतों की पूजा करने वालों में कोई फर्क नहीं है, यानी कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने 100 बार ख्वाब में देखा यानी कि 100 गुना वो बुतों की पूजा करने वालों के बराबर हो गए। अस्तगफिरुल्लाह तौबा तौबा तौबा।